हेलो यो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू हॉगवर्ट्स गेमिंग। तो क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स और आप भी अपनी कैसे सेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं करा, और घंटी भी दबा देना नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों ये है मेरे फोन की सेटिंग, हो सकता है आपके लिए ये थोड़ी अलग हो, सो आपको उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं पबजी गेम की सेटिंग्स में। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए मैंने रखा हुआ है अपना एम असिस्ट ऑफ। दोस्तों इसका काम होता है कि आपके एम को ये लो एचपी वाले बंदे पर लेकर चले जाता है। जैसे कि दोस्तों आप फाइट ले रहे हैं, सामने आपके तीन एनिमीज हैं, उनमें से एक नॉक है, पर आप जब दूसरे वाले पर फायर करोगे तो ये लो एचपी वाले बंदे पर गोलियां शिफ्ट कर देगा। तो इसे मैंने रखा है ऑफ। इसे ऑफ रखने से दोस्तों आप एम इजिली कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों ब्लॉक साइट वार्निंग, इसे भी दोस्तों मैंने रखा है ऑफ। चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों। तो देखिए दोस्तों अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या वॉल के पीछे से टीपी भी ले रहे हैं तो ये एम को ना ब्लॉक कर देता है। तो इसे ऑफ रखने से क्या होगा कि आपके प्री फायर में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, वरना क्या होगा कि अगर आप प्री फायर करोगे तो ब्लॉक की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं ग्राफिक्स की तरफ। दोस्तों मेरा फोन वैसे HDR सपोर्ट करता है पर मैं इसे स्मूथ पर रखकर खेलता हूँ। दोस्तों इससे जो ग्रास में सांप बने होते हैं उन्हें देखने में मदद मिलती है। और दोस्तों आगे जो है फ्रेम रेट को मैंने रखा है एक्सट्रीम पर, बाकी तो इसमें और भी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा स्टेप है कंट्रोल्स का। दोस्तों देखिए ये है मेरा कंट्रोल्स का लेआउट। दोस्तों आप मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल की और अपने कंट्रोल्स की सेटिंग अपने हिसाब से ऐसे रखें कि जैसे आपकी फिंगर्स फास्ट मूव हो। आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो है सेंसिटिविटी सेटिंग्स का। पर दोस्तों उससे पहले याद करवा दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये है मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग्स। सो दोस्तों मैं नॉन गायरो खेलता हूं, वैसे मैं गायरो पर प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं आपको उसकी भी सेटिंग दिखाता हूं आगे। सो दोस्तों अपनी ADS को कैसे सेट करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो दोस्तों जैसे कि सपोज करिए कि आपकी ADS की सेटिंग 6x की 22% है और मैंने रखी हुई है 30%। सो आप क्या करें कि आप 2-3% से इसे चेंज करें और धीरे धीरे दोस्तों इसे प्रैक्टिस करना पहले स्टार्ट करें। तो आपको दोस्तों अपना स्वीट पॉइंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपका रिकॉइल जो है वो कंट्रोल में आ जाए। सो दोस्तों शुरू में आपको पहले दिक्कत होगी पर धीरे धीरे आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसे ढूंढने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, हार मत माने, तो आपको ये मिल जाएगी अपने आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों मैं iPhone 11 Pro Max में खेलता हूं। अगर आपके पास भी ये सेम फोन है तो आप ये सेम सेटिंग कॉपी कर सकते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से iPhone के लिए बेस्ट सेटिंग है। तो लास्ट में दोस्तों ये स्कोप का मैंने कलर चेंज किया है ग्रीन में, क्योंकि बाकियों से ये ज्यादा ब्राइट और विजिबल है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों ये जो रेड डॉट का कर्सर स्टाइल है मैंने वो भी चेंज करा है क्योंकि ये मुझे वैसे ही पसंद आया था। बाकी ये दोस्तों अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। सो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर कुछ रह गया हो दोस्तों तो कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।